गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डू यू हैव फेथ इन गॉड? येस, वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड. वी ऑल आर प्रेइंग गॉड डेली. दिस इज वेरी गुड हैबिट, बट इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू प्रे गॉड फॉर आवर हैप्पीनेस. वी शुड ऑलवेज बिलीव इन ह्यूमैनिटी. अंडरस्टूड? इट मीन्स गॉड लव्स दोज हु लव्स अदर पीपल. मतलब भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं. लाइक जिनको ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है, उसकी अगर हम मदद करते हैं तो भगवान हमारी ये हैबिट देख के खुश होते हैं. ये नहीं कि डेली हमने पूजा कर ली, हमारी ये ड्यूटी है कि डेली हमने पूजा करनी है, बट हमारा मन भी साफ होना चाहिए. हमें हमेशा लोगों की परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए. समझ करके ही उनको उनकी मदद करनी चाहिए. मतलब हमेशा हमें सबकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आर पोएम. आर पोएम इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस सेंट्रल आइडिया, दैट इज अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड. आर इन दिस पोएम द नेम ऑफ दैट पर्सन इज अबू बेन एडम. दिस पोएम इज रिटन बाय द ले हंट. ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो है ले हंट. उन्होंने ये पोएम लिखी है, अबू बेन एडम. उन्होंने अपने आप को अबू बेन एडम का नाम दिया. सो लेट स्टार्ट दिस पोएम. अबू बेन एडम अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम एंड एंजल राइटिंग इन अ पोएम ऑफ इन अ बुक ऑफ गोल्ड. So the meaning of this paragraph is, there is the person whose name is Abu Ben Adam. He awoke one night, means he was sleeping in a deep dream, and he just opened his eyes and he saw within the moonlight in his room one angel को उन्होंने देखा कि एक angel खड़ा हुआ है. जैसे ही उनकी आँख deep dream में से खुली तो उन्होंने देखा कि एक एंजल खड़ा हुआ है जो कि गोल्ड गोल्ड बुक, जिसको हम सुनहरे अक्षर में कुछ लिख रहा है, जैसे गोल्ड की एक बुक हो और उस पे वो कुछ लिख रहा हो. सो लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसे लिली एक फ्लावर है, रात को ही खिलता है. तो जैसे कि लिली की खुशबू और लिली का ब्लॉसम, लिली जो फ्लावर जब खिलता है तो उसकी बहुत खुशबू होती है, उसकी लाइट आती है. लाइक दिस दैट लाइट इज कमिंग टू हीज रूम, कि उसके रूम में वो लाइट आ रही है. ठीक है, उसने जब उनकी आँख खुली, अबू बेन एडम की आँख खुली, तो उन्होंने देखा कि एक एंजल एक सुनहरी बुक पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिख रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम टोल्ड and to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head and with a look made of all sweet accord answered, the names of those who love the Lord. Exceeding peace. Exceeding, here the meaning of exceeding is growing beyond limit, means जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे बढ़ना जैसे जिसकी कोई सीमा नहीं होती. हैड मेड बेन एडम बोल्ड, उसको इतना बोल्ड बना दिया है. ठीक है, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, व्हाट राइट इज दो द विजन रेज्ड इट्स हेड. मीन्स वो पूछते हैं, वो जो एंजल है उनसे पूछते हैं कि आप इसमें क्या लिख रहे हो. व्हाट राइटेस्ट दो, कि आप इस बुक में क्या लिख रहे हो. द विजन रेज्ड इट्स हेड, मतलब जो एंजल हैं उनकी वो एकदम विजन, मतलब उसकी जो आंखों की चमक है वो एकदम से अपने सिर को उठा करके देखते हैं. ठीक है, रेज्ड इट्स हेड, उसके उनके हेड पे एकदम से वो विजन रेज्ड होती है, मतलब वो चमक आती है. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड आंसर्ड, बड़े वो आंसर देते हैं कि मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, दोज हु लव द लॉर्ड, जो कि भगवान को जो प्यार करते हैं, जो भगवान को प्यार करते हैं. द एंजल जवाब देते हैं बड़े प्यार से कि मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ इस बुक में जो भगवान को प्यार करते हैं. And is mine one? said Abu. Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee, then write me as one who loves his fellow man. Now the Abu is asking to the angel, my name is also there in this book.
So the angel replied, "No, it's not there, your name. I have not written your name," replied the angel. Oh, Abu spoke more low. वो थोड़ा और धीरे से बोलता है but cheerily, but वो उदास नहीं होता, फिर भी वो बड़े प्यार से उसे बोलता है, said, "I pray thee," कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि you can write my name also in this book. The person who loves his fellow man, means मैं भी, मेरा भी नाम लिख दो जो कि अपने fellow men को जो लव करता है, जो मतलब humanity को फॉलो करता है. तो नाउ द एंजल रोट एंड वैनिश्ड. वॉट हैपन, द एंजल ने लिखा उसका नाम एंड वो गायब हो गए. द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट एंड शोड द नेम्स वेन हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड एंड लो बेन एडहम नेम लेड ऑल द रेस्ट. वॉट हैपन, द एंजल ने उनका नाम लिखा और उसके बाद वो गायब हो गई. द नेक्स्ट नाइट अगेन ही केम विद अवेकनिंग लाइट, चमकती हुई लाइट से फिर वो आए. एंड शोड द नेम्स एंड ही शोड द नेम टू द अबू दैट ही हैज द अबू हैज सीन. अबू ने क्या देखा कि उसका नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था. जो लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं और अपने दूसरे लोगों की मदद करते हैं. एंड शोड द नेम्स हु लव ऑफ गॉड हैज ब्लेस्ड, जिन्होंने भगवान ने जिनको ब्लेस किया है. एंड लो बेन एडम नेम लेड ऑल द रेस्ट, मीन्स अबू बेन एडम का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था. सो दैट्स ऑल द पोएम. सो यू कैन रीड विद मी दिस पोएम एंड अंडरस्टूड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.